सेल्स मॉड्यूल में एस्टिमेट ओपन करें और क्रिएट न्यू पे क्लिक कीजिए। कस्टमर सिलेक्ट करें जिसे एस्टिमेट भेजना है। पेमेंट रिमाइंडर देना हो तो वो सिलेक्ट करें और फिर प्रोडक्ट्स ऐड करें। प्रोडक्ट बारकोड से या तो फिर नेम टाइप करके ऐड कर सकते हैं। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स में क्वांटिटी ऐड करके सेव एंड प्रिंट प्रीव्यू करें। इसके बाद एक एस्टिमेट जनरेट होके स्क्रीन पे आएगा, उसको सप्लायर को भेजना हो तो भेज सकते हैं। इसके बाद हम सीधा सेल्स इनवॉइस या फिर सेल्स ऑर्डर जनरेट करना हो तो कर सकते हैं। सेल्स ऑर्डर पे क्लिक किया, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर की डिटेल्स है वो चेक की और सेव एंड प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया। उसके बाद एक सेल्स ऑर्डर जनरेट होके आ जाएगा। उसके बाद हम यहां से एक सेल्स इनवॉइस या तो फिर डिलीवरी चालान जनरेट कर सकते हैं। जनरेट सेल्स इनवॉइस पे क्लिक करें। यहां पे सारी डिटेल्स चेक करके पेमेंट टर्म्स सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली ड्यू डेट अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे प्राइस चेंज करना हो तो कर सकते हैं। अगर पेमेंट सेम टाइम पे करते हैं तो सेव एंड पेमेंट पे जाएंगे और अगर पेमेंट लेटर करने वाले हैं तो सिर्फ सेव करेंगे। यहाँ पे एक इनवॉइस बनके आ जाएगा और उसका हम डिलीवरी चालान या तो रिसीव पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं। डिलीवरी चालान पे क्लिक किया और सेव एंड प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया तो यहाँ एक डिलीवरी चालान जनरेट होके आ जाएगा।